Hey, Shirimar. Hello. Oh, no. Daddy. आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? तुम दोनों को देखने को जी चाह, चलो आया। खुश हो ना? डैडी, हाँ, खाना मजेदार है ना? इसलिए कि तुम्हारी पत्नी ने बनाया है। नहीं डैडी। अरे पहली बार जब मेरी पत्नी ने इस घर में खाना बनाया था तो मेरे पापा तो खुशी से नाचने लगे थे। बोले ये किसी बैरिस्टर की नहीं, किसी बावर्ची की बेटी है। देखा मम्मी, डैडी क्या कह रहे हैं? खाना खाओ, खाना। हकीम लुकमान ने कहा है कि प्यार जताओ गा के। लगता है मम्मी को खाना अच्छा नहीं लगा। कैसे लगेगा? एक बावर्ची दूसरे बावर्ची की तारीफ नहीं करता। पहले तो बोलते नहीं थे, अब चुप नहीं होते, बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं। अरे भाई, बड़बड़ ना करूं तो और क्या करूं? पहले हम बाप थे, अब हम ससुर हैं। घर में बहू रानी आई है, बहू रानी। डैडी, मैंने कितनी बार कहा मुझे बहू नहीं बेटी कहा कीजिए। बात सोचने वाली है। अगर ये मेरी बेटी हुई तो तुम मेरे दामाद और ये मेरी समधन। डैडी, हाँ माँ, आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में। जब से आशा की जगह शिखा इस घर में आई है, माँ बेटी का पाला चढ़ा ही रहता है। ये ठीक नहीं है। शिखा को अगर इस बात का एहसास हो गया तो। तुम फिक्र ना करो, उसे एहसास होने से पहले हम इन दोनों के स्क्रू टाइट कर देंगे। स्क्रू? माँ, माँ मैं तुमसे आज्ञा लेने आया हूं। माँ लगता है आप लोग शिखा को अपनाना नहीं चाहते, इसलिए अच्छा यही है कि मैं उसे लेकर कहीं और रहने चला जाऊं ताकि आप लोग खुश रह सके। हमारी खुशी की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? माँ बहन को भूलकर अब तो तुम्हारे लिए सब कुछ पत्नी हो गई। माँ का स्थान पत्नी तो क्या भगवान भी नहीं ले सकता, लेकिन जब अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उसका हाथ थामा तब उसे कैसे छोड़ दूं? ये क्या जातक हो रहा है? डैडी, ये मेरी मजबूरी है। तो मनमानी भी तुम्हारी मजबूरी थी। मैंने दुनिया की, समाज की, तुम्हारी माँ की परवाह न करते हुए इसलिए तुम्हारा साथ दिया कि तुम जवानी के जोश में आकर कुछ करना बैठो। लेकिन जब शिखा बेटी की तरह रहना चाहती है, सबकी सेवा करना चाहती है, तो फिर उसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा? वो मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सब कुछ सहना होगा। क्यों सहना होगा? हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो छोड़ दो ये घर, चले जाओ जहाँ जाना है। तुम अपनी पत्नी के साथ खुश और हम अपनी पत्नी के साथ खुश। तो ठीक है डैडी, मैं जा रहा हूँ। अरे रोकता कौन है, जाओ जाओ।